मांगता वही आदमी है परमेश्वर को जिसकी लाइफ में पाप ना हो। अगर उसे मालूम है मेरी लाइफ में पाप है तो उसे मालूम है परमेश्वर को मैं ढूंढ नहीं रहा हूं। तो मांगते रहना, सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तीनों वचन पूरे करने पड़ेंगे, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर कोई तांत्रिक तो नहीं है कि आप उसे कुछ भी देंगे और वो खुश हो जाएगा और आप कुछ भी मांगे बोलेगा ठीक है तूने इतना दिया मैं भी देता हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं, तुम्हारी स्पिरिट चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा ज्ञान रखो, बाकी सब चीजें उसके बाद में, आपकी गिविंग ऑफरिंग उसके बाद में, पहले नहीं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो मांगो। मुझे तो मालूम नहीं लेकिन जब मैं मांगो बोल रहा हूं तो मुझे फायर फील हो रही। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, हीलिंग के, डिलीवरेंस के डोर खुलते हुए, फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, आत्मा की बातों के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, स्पिरिचुअल यीशु मसीह के नाम में हाई जाने के डोर खुलते हुए देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी, ऊंची बात में हालेलुया, ऊंची बात में हालेलुया, आमीन। मैं कौन सी टेस्टिमनी आपको दूं? मैंने लोगों के दिमाग सेट होते हुए देखे इस प्रेयर से कि मांगो तो दिया जाएगा, रोज प्रभु के सामने, रोज 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 रोज। मैंने ढीठ आत्माओं को देखा है, ढीठ कामों को देखा है अपनी लाइफ के सामने, बहुत ढीठ। ऐसे लगता था प्रेयर करते ऐसे खड़े होते थे, बोलते हाँ कर प्रेयर, रोज कर, रोज तीन टाइम, छह बार जा रोज, हम एक इंच भी हटेंगे नहीं, तू कर प्रेयर। ऐसा उखाड़ा है ना परमेश्वर ने, ऐसा उखाड़ा है उसे। आप मुझे बताओ, अगर वचन आपके साथ है कौन जीतेगा, वचन या शैतान? बस अपनी राह पकड़े रहना, अपनी लाइन मत छोड़ना। प्रेयर का एक नियम बनाओ अपने घर में, एक टाइम अपने परिवार के साथ बैठो, छोटे बड़े सब इन्वॉल्व करो, दूध पीता बच्चा से लेके, अगर चार पाई पर कोई बुजुर्ग है तो उसे भी बिठाओ उस प्रेयर में। एक टाइम परमेश्वर के सामने अकेले जाओ और प्रार्थना इस तरह से करो कि आपके मेंटल लेवल पे कोई प्रेशर ना हो, कि अगर पूरी ना हुई तो क्या होगा। बस सोचो कि परमेश्वर के सामने रख दी, वो चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर, बस इस तरह से। कितनी देर तक वो नहीं सुनेगा? उसने कहा अगर वो शर्म छोड़कर मांगा और उसे शर्मिंदा करता उन्हें अंदर बैठे नु, किता कि नहीं किता? यार दे ले यार पाजी, रिक्वेस्ट है पाजी, आ मैं देखो दरवाजे मोरे लंबे ही पे आ गया हूं। हां वो भी कहता है छाड़े यार। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया, लज्जा छोड़कर मांगना, शर्म छोड़कर मांगना। यहां ऐसे लोग हैं जिनको जो वर्शिप करते हैं ना तो ऐसे धीरे धीरे उनको शर्म आती कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूं, लोग देख लेंगे ऑनलाइन तो क्या कहेंगे। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम लज्जा छोड़कर मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊद की पत्नी बोली तू जब नाच रहा था तो तेरा पेट नजर आ रहा था, तेरे शरीर नजर आ रहा था। उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया नीचे से, उसके लिए मैं और नीचा होऊंगा ताकि मुझे और ऊंचा कर सके। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया। ये जरूरी था आपको, बेसिक कई बार भूल जाते हैं हम, कई बार हम हिंदी के टीचर बन जाते हैं लेकिन क ख भूल जाते हैं। कई बार सोचते क ख याद करो, कहां ग है कहां न है, भूल गए। वो हाल कई बार क्रिश्चियन लोगों का है, हम गहरी बातों में चले जाते, गहरा और गहरा और गहरा, पर बेसिक कहां गया हमारा?
जहां प्रेरितों का काम है बेसिक पे टिका हुआ है, प्रेयर, वचन, फास्टिंग, बेसिक। अगर यही पूरा नहीं तो कोई इब्रानी पढ़ लो, यूनानी पढ़ लो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई फर्क नहीं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने का वायदा करो, एक योजना बनाओ। उसने कहा एक दोस्त दोस्त को दे सकता है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा, वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। इसका मतलब हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। घुटनों पे आओ, टीम को भेजो ऑयल जल्दी देके। आप पे जब ऑयल आने वाला है, सामर्थ उतरने वाले, बंधन टूटने वाले, बीमारियां जाने वाले, सब तरह के दुष्ट आत्माएं जाने वाले। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। जब ये ऑयल की प्रेयर आप पे आने वाली, मैं देख रहा हूं बंधनों को टूटते हुए बिखरते हुए उन्हें यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं आज के बाद आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होने वाली। सुना मेरी बात, मैं एक ग्रेट प्रेयर लाइफ का वो बीज आज देख रहा हूं आपके अंदर एंटर कर चुका है। मैं देख रहा हूं वो एंटर कर चुका है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ स्पिरिट के अंदर। ऑयल लगाना शुरू करो जल्दी से, क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को काम करते हुए। एक जना ऑयल लगाएगा, एक जना पीछे खड़ा होगा। रस्सी के अंदर जाओ, जैसे वो ऑयल आप पे आने वाला, फायर आप पे आने वाली। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, और बोलो दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, बीमारी का, दिले का, फीट बोने का, निकालो निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, निकालो उसे। क्या आप सोचते हो बिना प्रार्थना क्या आप उसको पकड़ पाओगे, क्या बिना प्रार्थना आप उसको हासिल कर लोगे? आप क्या चाहते मायने नहीं करता, आपकी प्रेयर कितनी है उसके साथ। कौन नहीं चाहता ब्लेस होना, इस्तेमाल होना, मसे में जाना, कौन नहीं चाहता? पर हर बंदा पहुंचता नहीं, क्यों? आपको उसके साथ मूल्य अदा करना पड़ता है। आज जो गाड़ी में आया वो कहता मैं बड़ी गाड़ी में आऊं, बड़ी गाड़ी वाला कहता उससे बड़ी में आया हूं, हाँ जो साइकिल पे आया बाइक पे आऊं। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपके पास करेंसी होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक करेंसी आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना आपको करेंसी देती है, प्रार्थना आपको पैसा देती है आत्मिक। आप जो चाहे उससे खरीद सकते हो, जो चाहे मांग सकते हो वो आपको देगा। उसने कहा अगर वो विधवा का न्याय कर सकता है, एक अधर्मी एक पापी, क्योंकि विधवा बार बार जाके उसे तंग कर रही है कि मेरा काम कर। यीशु मसीह ने कहा जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, क्या तेरा पिता उनके विषय में देर करेगा? क्या वो उनकी प्रार्थना को कबूल नहीं करेगा? एक लड़का मैं जानता हूं, एक बार मुझसे मिला, मैं क्या काम करते हो? मैं आज बस फाइनेंस में बढ़ना चाहता हूं जी। क्या काम करते हो? मैं ड्राई क्लीन का काम करता हूं। ओके, अब देखने वाला क्या देख रहे हैं? चर्च जाते हैं, हाँ, ड्राई क्लीन का काम करते हैं, अच्छा, फिर एक ड्यूटी मिल गई चर्च में, हाँ, और पता लगा उसकी फ्रेंडशिप है, खुद मैरिड है और एक फ्रेंडशिप भी है। उसको धक्के मारे, बाहर निकाला, और अब आपको समझ आएगी कि 4 साल बाद वो संघर्ष क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये नहीं बताते भाई मैं व्यभिचारी भी हूं, वो ये बताते मैं क्रिश्चियन हूं और ये काम करता हूं और ये भी करता हूं, पर ये नहीं बताएंगे साथ साथ दारू भी चलती है, व्यभिचार भी चलते हैं, साथ साथ लड़कियों को देखता भी हूं, गंदी फिल्में भी देखता हूं, ये नहीं बताएंगे आपको। तो ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने
कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो छुड़ाया जाएगा। अगर आप उस पे विश्वास करते हैं तो आप बैप्टाइज जरूर होंगे, अगर आप बैप्टाइज नहीं हैं इसका मतलब आप पूरी तरह से फेथ में नहीं। आप बोलते जाएंगे मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मैं प्रार्थना भी सुनता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, लेकिन उस प्रार्थना को सुनने के बाद आपने क्या किया? प्रार्थना सुनना पहला स्टेप था,